और इलेक्ट्रिक ऑटोजेट में स्वागत है। बजाज मैक्सिमा रिक्शा में सलप नहीं लग रहा है। देखो, हमने सलप तो पूरा खोल दिया है। खोलने के लिए वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं है। ये सलप लुकास टीवीएस का है। हमने सलप खोल दिया है, खोल के टेबल पे रख दिया है। देखो, अभी लॉक निकाल देते हैं, क्योंकि पहले लॉक हटाना चाहिए, तब जाके सलप हमारा खुलेगा। देखो, आराम से लॉक निकालना चाहिए। देखो, फिटिंग आता है लॉक, क्योंकि लॉक की वजह से तो पूरा सलप रहता है, क्योंकि लॉक निकल जाता है ना तो पूरा सलप। देखो, ये हमारा लॉक खुल गया, हमने वाइसर निकाल दिया, फिर देखो सलप हमने रख दिया। आठ के टूल से दोनों बोल्ट छोटे छोटे खोलने पड़ेंगे। ये प्लेट के, देखो, ये रॉकर प्लेट के छोटे छोटे बोल्ट हैं, आठ नंबर टूल से खोलना पड़ेगा। देख सकते हो, आपको लेना है आठ का टूल और दोनों बोल्ट खोलना है। देखो, ऑलरेडी एक बोल्ट तो हमने खोल दिया, अभी दूसरा बोल्ट खोल देते हैं। देख सकते हो, दूसरा बोल्ट हम खोल रहे हैं। देख सकते हो, अभी दूसरा बोल्ट खोल देते हैं। दूसरा बोल्ट हमने खोल दिया, फिर ये लंबा वाला बोल्ट। देखो, सलप थोड़ा सा हमारा गर्म है, इसी वजह से आराम से खोलना, क्योंकि देखो रिक्शा थोड़ा सा ज़्यादा लोड ले रही थी इसी वजह से, और लंबे रूट से आई है, इसीलिए सलप गर्म है। देखो, आराम से खोलना चाहिए। ये आठ नंबर से टूल से लंबा वाला बोल्ट खोलना है। देख सकते हो, सलप थोड़ा सा गर्म है, इसलिए इसे आसानी से खोलेगा। देखो, एक बोल्ट ऑलरेडी मैंने खोल दिया, अभी दूसरा बोल्ट खोल देते हैं। देख सकते हो, दूसरा बोल्ट खोलने के बाद आपको पहले कटोरा निकालना है। देखो, ये बोल्ट खुल गया, फिर आराम से कटोरा निकालना है। देखो, कटोरा मैंने निकाल दिया, फिर आपको ये रॉकर प्लेट निकालना है। देखो, रॉकर प्लेट मैंने निकाल दिया, अभी आपको क्या करना है, बार का टूल लेना है और इस सोलेनोइड स्विच का नट खोलना है। देखो, हम लेचर से नट खोल देते हैं सोलेनोइड स्विच का। देखो, बार तेरा टूल्स लेना है और सोलेनोइड स्विच का नट खोलना है। देखो, ऑलरेडी मैंने नट खोल दिया, अभी बॉडी हटा देते हैं। देखो, बॉडी मैंने हटा दिया, देख सकते हो, अभी बॉडी मैंने टेबल पर रख दिया। अभी आपको क्या करना है, 10 का टूल लेना है और सोलेनोइड स्विच का दोनों नट खोलना है। देखो, 10 का टूल से सोलेनोइड स्विच का दोनों नट खोलना है। देखो, ऑलरेडी मैंने एक नट तो खोल दिया, अभी दूसरी नट खोल देते हैं। देख सकते हो, ये दूसरी नट हम खोल रहे हैं। देखो, हमने नट खोल दिया, देखो सोलेनोइड स्विच भी निकाल दिया। देख सकते हो, सोलेनोइड स्विच निकाल दिया, फिर देखो ये डिसमिस से ये रबड़ हटाना पड़ेगा। देख सकते हो, रबड़ मैंने हटा दिया, फिर पूरा चिपिया निकाल के देखो, ये हमारी बेयरिंग का ही प्रॉब्लम है। देखो, बेयरिंग बाहर आ गई है, हाउसिंग में रहना चाहिए वो बाहर आ गई है। देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बेयरिंग का ही प्रॉब्लम था। देख सकते हो, लोड ले रहा था थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए हमने सलब पूरा खोल दिया। देखो, हाउसिंग में से निकल गई है बेयरिंग, इसलिए देखो, देख सकते हो हाउसिंग से निकल गई है बेयरिंग। अभी आर्मीचर चेक कर लेते हैं, शॉर्ट है नहीं शॉर्ट है। आर्मीचर तो हमारा ओके है, हमने चेक कर लिया। अभी बॉडी चेक कर लेते हैं। देखो, बॉडी भी हमारी ओके है, क्योंकि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। कार्बन भी ओके है, देख सकते हो, ये बूस्ट डगमार रहा है, बूस्ट चेंज करना पड़ेगा। देख सकते हो, देखो ये हमने फेविक बनाई है, इसको एरोलाइट बोलते हैं। एरोलॉट इसलिए मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें जो बैरिंग आती है ना, बैरिंग में लगाना है हाउसिंग में, क्योंकि हाउसिंग में देखो ये हाउसिंग में बैरिंग लगाना है, क्योंकि एरोलाइट लगा के बैरिंग बाद में लगाना है, क्योंकि बैरिंग निकल जाती है ना इसी वजह से। देख सकते हो, पहले आराम से एरोलाइट दोनों मिक्स करके अच्छे से बनाना, फिर बाद में अंदर लगाना। अंदर लगा के बाद में बेयरिंग फिट करना है, क्योंकि बेयरिंग निकल जाती है ना, इसलिए 5-10 मिनट रखना चाहिए, बाद में चलेगा। देखो, बेयरिंग हम फिट कर रहे हैं, देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एरोलेट तो लगा दिया, फिर बाद में बेयरिंग लगाई गई, क्योंकि बेयरिंग निकलना चाहिए, इसी वजह से मैंने बेयरिंग अंदर लगा दिया है। देख सकते हो, ये हमारी बेयरिंग ऑलरेडी फिटिंग हो चुकी है। देख सकते हो, अच्छे से ऑलरेडी मैंने फिटिंग कर दिया है। देख सकते हो, ये हमारी हो गई बेयरिंग फिटिंग।
इस तरह आप बेयरिंग फिट कर सकते हो। देखो अच्छे से थोड़ा सा टाइट और कर लेते हैं, देख सकते हो बेयरिंग हमारी हो गई फिटिंग कंप्लीट, देख सकते हो। फिर ये बूस्ट पे लगा देते हैं, देख सकते हो ऑयल लगा के बूस्ट लगाना पड़ेगा। देखो ये बूस्ट पे थोड़ा सा डग मार रहा है, इसलिए ऑलरेडी मैंने बूस्ट पे नया लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा डग वाला नहीं चलता है। देख सकते हो बेयरिंग आएगी 150 रुपये में, बूस्ट आएगा 30 रुपये में। ऑलरेडी हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं था, बस इतना ही खर्चे में हो जाता है सलप तैयार। देख सकते हो थोड़ा सा राउस कर लेते हैं, देख सकते हो ऑलरेडी मैंने बूस्ट राउस कर लिया, देख सकते हो ऑलरेडी बूस्ट मैंने राउस कर दिया है, देख सकते हो। फिर ये आपको कॉमेटर साफ करना पड़ेगा, अच्छे से काट पेपर से कॉमेटर साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की जो मिट्टी आती है ना वो आ जाती है। इसलिए ये पार्ट 1 बनाया है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए पार्ट 2 में